दोस्तों अगर आप विल जैक को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में आईपीएल 2024 का 36वां मुकाबला समाप्त हुआ। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की टीम ने 222 रन स्कोरबोर्ड पर ठोक दिए थे, जिसमें अर्धशतक श्रेयस अय्यर ने लगाया था। ऐसे में 230 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम। कोहली और डुप्लेसी ने शुरुआत तो ठीक ठाक दिलाई, लेकिन तभी हर्षित राणा की फुलटॉस गेंद पर उन्हीं को कैच दे पड़े सीरीज विराट कोहली और 18 रन बनाकर विराट कोहली इस मुकाबले में पहले शिकार बने। दोस्तों उसके बाद डुप्लेसी भी सीरीज से चक्रवर्ती गेंद पर वेंकटेश अय्यर को कैच देकर मात्र 7 रन बनाकर आउट हुए। तब जाकर मैदान पर आए विल जैक और आते ही आज उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाज मैदान पर दिखाया। दोस्तों मैदान के हर कोने पर छक्का, हर कोने पर चौका, ऐसी बल्लेबाजी जैसे आरसीबी के फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। दोस्तों आधे इन्होंने चौके छक्कों की लड़ी लगा दी। दोस्तों इस मुकाबले में 5 छक्के लगाए विल जैक ने और 4 चौके जड़े। दोस्तों मात्र 31 गेंदों पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया इस मुकाबले में विल जैक ने। दोस्तों 170 के स्ट्राइक रेट से विल जैक इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी 32वीं गेंद पर रसल की गेंद पर सीधा अंगद क्रिश सिंह के हाथों में कैच दे बैठे। छक्के से थोड़ा कम रह गई गेंद, एक एंटरटेनिंग पारी समाप्त। विल जैक की 55 रन बनाकर 32 गेंदों में जैक आउट हुए। दोस्तों विल जैक किस पारी को 10 रन। दोस्तों अगर आप विल साल्ट को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में समाप्त हुआ। दोस्तों श्रेयस अय्यर और डुप्लेसी के बीच में टॉस उछाला गया और आरसीबी के कप्तान डुप्लेसी ने टॉस को जीता। दोस्तों टॉस जीतकर गेंदबाजी को चुना डुप्लेसी ने। दोस्तों शुरुआत ताबड़तोड़ हुई। एक और बार सुनील नारायण फिल साल्ट चलाने वाले बाज बन गए। आते ही फिल साल्ट ने मैदान के हर कोने पर चौका और छक्का लगाना शुरू किया। दोस्तों मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा फिल साल्ट ने जहां उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का अंदाज मैदान पर दिखाया हो। मैदान के हर कोने पर चौका, हर कोने पर छक्का लगाया फिल साल्ट ने। दोस्तों देखते फिल साल्ट 48 रन पर पहुंच चुके थे, तभी सिराज की इसी गेंद पर एक और छक्का लगाने की चाह में पट्टीदार को कैच दे बैठे, जिसके चलते बड़ी विकेट मिली आरसीबी को। दोस्तों मात्र 14 गेंदों पर 48 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर फिल साल्ट आउट हुए। उनके ठीक बाद इस तरीके से नारायण भी 15 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुए। यहां तारीफ होगी आरसीबी के गेंदबाजों की, लेकिन उनके बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर आए, जिन्होंने बेहतरीन 50 रनों की पारी खेली सिर्फ 36 गेंदों में 7 चौके व एक छक्का लगाकर, जिसके चलते केकेआर की टीम अंत में रसल की 27 और अमनदीप सिंह की 24 रनों की पारी के चलते 222 रन तक पहुंच गई। जी हां दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते 222 रन बना दिए केकेआर की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों आप फिल साल्ट की इस बल्लेबाजी को 10 रन कितना नंबर देंगे? अगर आप भी अभिषेक शर्मा को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों सरदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स का आईपीएल 2024 का तूफानी मुकाबला शुरू हुआ, जो कि 35वां मुकाबला था। दोस्तों दोनों ही टीमें आमने सामने आई। टॉस जीता ऋषभ पंत ने गेंदबाजी को चुना। दोस्तों हैदराबाद की तरफ से ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा ने मैदान पर हाहाकार मचाकर रख दिया। मैदान के हर कोने पर छक्का, हर कोने पर चौका। दोस्तों ऐसी कोई गेंद नहीं थी जहां इन्होंने खाली खेली हो। दोस्तों हर गेंदबाज को 18 के रन रेट से स्कोर किया आज दोनों ही बल्लेबाजों ने। सिर्फ पावर प्ले में ही 120 रन जड़ दिए। जी हां दोस्तों, 36 गेंदों पर 120 रन जड़ दिए। दोस्तों आप सभी को बता दें, दोनों ही मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी की मैदान पर रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों ट्रैविस हेड ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। मात्र 11 गेंदों पर अभिषेक शर्मा भी 46 रन तक पहुंच चुके थे, तभी 12वीं गेंद पर कुलदीप यादव की इस गेंद पर अक्षर पटेल को कैच देकर आउट हुए। लेकिन सिर्फ 12 गेंदों में 46 रन ठोके अभिषेक शर्मा ने। 6 छक्के व 2 चौके लगाकर 300 स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उनके साथ हेड ने भी 90 रनों की पारी खेली सिर्फ 32 गेंदों में। दोनों ने मिलकर 13वें ओवर में 180 रन जड़ दिए और अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ एक कदम दूर थी सनदाबाद की टीम। लेकिन दोस्तों आप अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे? कमेंट बताएं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आप ट्रैविस हेड को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स बनाम सनदराबाद के बीच में आईपीएल 2024 का 35वां मुकाबला शुरू हुआ, जिसमें ऋषभ पंत ने टॉस को जीता और गेंदबाजी को चुना और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत साबित हुआ फैसला, क्योंकि इस मुकाबले में ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा सलामी बल्लेबाज बनकर आए और आधे इन दोनों ने मैदान पर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। दोस्तों एक तरफ से अभिषेक शर्मा हर गेंद पर छक्का चौका जड़ रहे थे, ट्रैविस हेड भी हर गेंद पर चौका छक्का लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो चौका और छक्कों की तो बारिश हो गई। शुरू के 5 ओवर में 100 रन जड़ दिए। जी हां दोस्तों, 30 गेंदों पर दोनों ने मिलकर 100 रन जड़ दिए। उसके बाद भी तूफानी बल्लेबाजी की ट्रैविस हेड ने और अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उसके बाद 46 रनों की पारी खेलकर अभिषेक शर्मा से 12 गेंदों में आउट हुए। 380 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी इस चीज को तूफानी तरीके से बरकरार रखा ट्रैविस हेड ने। मैदान के हर कोने पर छक्का, हर कोने पर चौका। जैसी बल्लेबाजी उन्होंने आरसीबी के खिलाफ करी थी उसको ही कंटिन्यू कर रहे थे आज, ऐसी बल्लेबाजी भी। दोस्तों इस मुकाबले में मात्र 31 गेंदों पर 90 रनों तक पहुंच चुके थे ट्रैविस हेड और सिर्फ 11 रन दूर थे अपने शतक से, तभी कुलदीप यादव की इस गेंद पर एक और छक्का लगाने की चाह में त्रिशन सब्स को कैच दे बैठे। 90 रनों की पारी खेलकर ट्रैविस हेड सिर्फ 32 गेंदों का सामना करते आउट हुए 6 छक्के व 11 चौके लगाकर, जिस चलते मात्र 12 ओवर में ही 180 के पार चली गई सिकंदराबाद की टीम और ऐसा लगा आज भी सिकंदराबाद अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ने वाली है। लेकिन दोस्तों हेड की इस बल्लेबाजी को 10 में कितना नंबर देंगे? कमेंट बताएं।
दूसरा ग्राफ भी महेंद्र सिंह धोनी को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आईपीएल 2024 का एक और तूफानी रोमांचक मुकाबला 3400 मुकाबला खेला गया लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। दोस्तों आप सभी को बता दें केएल राहुल और ऋतुराज गायकवाड़ टॉस के लिए आए और टॉस को जीता केएल राहुल ने कान्हा स्टेडियम में और गेंदबाजी को चुना। पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत खराब रही, अजिंक्य रहाणे 36 रन, राजन रविंद्र शून्य, ऋतुराज गायकवाड़ 17 व शिवम दुबे इस तरीके से आउट हुए मात्र 3 रन बनाकर। दोस्तों के पास समीर रिजवी भी 1 रन बनाकर आउट हुए। सिर्फ जाडेजा ही थे जिन्होंने धीमी पारी खेलते हुए अर्धशतक लगाया था, लेकिन अभी भी एक फिनिशिंग की दरकार थी चेन्नई को। 200 लगभग 19 ओवर तक सिर्फ 150 रन ही बने थे चेन्नई के, तब एंट्री भी मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी की। और आते ही महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी इनिंग का आगाज इस बेहतरीन चौके से किया। दोस्तों आधे ही महेंद्र सिंह धोनी ने एक और चौका जड़ा। दोस्तों उसकी अगली गेंद पर इस तरीके से हेलीकॉप्टर शॉट का नमूना यश ठाकुर की यॉर्कर गेंद पर दिखाया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये छक्का महेंद्र सिंह धोनी ने बेहतरीन 90 मीटर का लगाया। दोस्तों उसके बाद अगली गेंद पर एक और अंतिम चौका भी जड़ा, जिसके चलते महेंद्र सिंह धोनी ने 3 चौके व 2 छक्के जड़ दिए। आधे ही मात्र 9 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन ठोक दिए महेंद्र सिंह धोनी ने और 176 रन तक पहुंचाया चेन्नई को। जो चेन्नई 150 रन तक नहीं जा रही थी उसे 176 रन तक धोनी की फिनिशिंग पारी ने पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों अब धोनी की इस पारी को 10 में से कितना नंबर देंगे? दूसरा ग्राफ भी पंजाब किंग्स को एक अच्छी टीम मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आईपीएल 2024 का 33वां मुकाबला पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच में। सैम करन ने टॉस जीता पंजाब की तरफ से नए कप्तान बनते हुए और गेंदबाजी को चुना। रोहित शर्मा और ईशान किशन सलामी बल्लेबाज बनकर उतरे। दोस्तों ईशान किशन तो 8 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनके बाद रोहित शर्मा ने काफी अच्छी पारी खेली और ये भी अंत में 36 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद विकेटों की लड़ी लग गई मुंबई की तरफ से। तिलक वर्मा 24 और उनके बाद हार्दिक पांड्या 10 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन तीसरे नंबर के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने मुंबई की पारी को एक तरफ से एक छोर से काफी अच्छी तरीके से पकड़ा हुआ था। रन काफी तेज बना रहे थे, जिसके चलते मुंबई को फिनिशिंग टच काफी अच्छा मिला और इनका अर्धशतक भी पूरा हुआ। दोस्तों अंत तक सूर्य कुमार यादव ने 78 रनों की पारी खेली 53 गेंदों में, 3 छक्के व 7 चौके लगाकर ही आउट हुए, जिसके चलते 192 रन तक मुंबई इंडियंस की टीम पहुंच पाई 7 विकेट के नुकसान पर। अब पंजाब को मुकाबला जीतने के लिए 153 रन लगाने थे 120 गेंदों में। 208 रन प्रति ओवर का नेट रन रेट था, लेकिन शुरुआत में ही प्रभ सिमरन आते ही भारजा दीवी गेंद पर एसजे बैठे और शून्य रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद रॉसो भी आधे ही बुमराह की गेंद पर यॉर्कर गेंद पर बोल्ड हुए और 1 रन बनाकर आउट हुए, बेहद ही खराब शुरुआत। उनके बाद खुद कप्तान सैम करन भी भारजा दीवी गेंद को खामखा छेड़ बैठे, एच देकर ये भी 6 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद तो विकेटों की लड़ी लग गई। आधे ही कैच एंड बोल्ड हुए कॉर्ड्सी गेंद पर लिविंगस्टोन, जिनका इतना बड़ा नाम है लेकिन काम कुछ नहीं है, मात्र 1 रन बनाकर ये भी आउट हुए। उनके बाद इस तरीके से आउट हुए हरप्रीत सिंह, जो कि बैक प्लेयर के रूप में आए थे और मात्र 13 रन बनाकर आउट हुए। इस हिसाब से इनको पंजाब किंग्स ने बैक प्लेयर के रूप में भेजा था। लेकिन फिर आते हैं आशुतोष शर्मा मैदान पर और ये दिखाते हैं अपनी तूफानी बल्लेबाजी का जलवा। उनका लाजवाब साथ देते हैं हमारे पिछले मुकाबले के स्टार बल्लेबाज शशांक सिंह, लेकिन ये भी खेल खेल कर ज्यादा नहीं खेल पाते। 41 रन बनाकर ये भी शरीर से आउट हो जाते हैं बुमराह की गेंद पर। तिलक वर्मा कैसे कर, लेकिन आउट होने से पहले इन्होंने 41 रन जड़े थे 25 गेंदों में और वापसी कराई थी पंजाब किंग्स की। लेकिन उनके साथ आशुतोष शर्मा ने मात्र 20 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर पूरी वापसी कराई पंजाब की और अब तक इन्होंने 61 रनों की पारी खेली 28 गेंदों में और 99% मुकाबला जीत चुकी थी पंजाब, लेकिन विकेटें नहीं थी इनके पास। तभी इस तरीके से हरप्रीत ब्रार भी अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठते हैं हार्दिक पांड्या की गेंद पर और 21 रन बनाकर ये आउट हो जाते हैं। 9 विकेट गिर चुके थे, आखिरी 6 गेंदें बाकी थी, 210 रनों की दरकार थी और रबाडा सिर्फ अकेले ऐसे बल्लेबाज थे जो रन लगा सकते थे। आखिरी ओवर में मुकाबला पहुंच चुका था, मधवाल को गेंदबाजी थी, पहली गेंद उन्होंने वाइड रखी, लेकिन अगली गेंद पर इस तरीके से बुमराह ने टच कर 2 रन लेने के चक्कर में डाइव तक नहीं लगाई और ईशान किशन ने रन आउट करा दिया। जी हाँ दोस्तों, पहली गेंद पर इतनी आसानी से मुकाबला हार गई पंजाब की टीम 9 रनों से। दोस्तों किसी को यकीन नहीं हुआ कि मुकाबला सच में हुआ या फिर फिक्सिंग था, लेकिन